तो बच्चों, आज हमारी इस इंग्लिश क्लास में हम हमारी बुक फ्लेमिंगो का चैप्टर 4 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है द रेड ट्रैप। और ये चैप्टर लिखा है बच्चों सेल्मा लेजरलॉफ ने, तो ये राइटर हैं इस चैप्टर की। और बच्चों, ये स्वीडन की रहने वाली हैं, तो ये जो चैप्टर हम पढ़ेंगे इसमें जो स्टोरी है ये वहीं के लोगों के बारे में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Once upon a time, there was a man. तो जैसा मैंने आपको बताया था, ये एक स्टोरी है। तो राइटर हमसे कह रही हैं कि एक समय की बात है, एक व्यक्ति था who went around, जो कि घूमता रहता था, selling small rat traps of wire, क्या करते हुए, छोटे छोटे rat traps को बेचते हुए, जो rat traps बने हुए होते थे वायर से। तो बच्चों, ये rat traps होते हैं, ये आपने सबने देखे होंगे। तो ये rats को, चूहे को पकड़ने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसमें अंदर की तरफ यहाँ पर हम कोई ब्रेड लगा देते हैं और फिर चूहा उसे अट्रैक्ट होके अंदर आ जाता है और फिर ये गेट बंद हो जाता है। तो वो व्यक्ति इस तरह के वायर से बने हुए छोटे छोटे रैट ट्रैप्स बेचा करता था। ही मेड देम हिमसेल्फ, और उन रैट ट्रैप्स को वो हिमसेल्फ खुद स्वयं बनाया करता था एट ऑड मोमेंट्स। और कैसे, मतलब वो परफेक्ट नहीं था, वो कोई प्रोफेशनल नहीं था, वो खुद ही बना लेता था और बहुत अजीब तरीके से बनाता था। और बनाता भी कैसे था, अजीब समय में, यानी कि थोड़ा सा बना लिया, फिर जब टाइम मिला तब बना लिया। तो इस तरह से वो मेहनत करके बनाता था। फ्रॉम द मटीरियल, और रेड ट्रैप्स बनाने का जो मटीरियल सामान उसे चाहिए होता था, ही गॉट, वो सामान वो प्राप्त करता था बाय बैगिंग, कैसे, भीख मांग के, इन द स्टोर्स और एट द बिग फार्म्स। तो या तो स्टोर्स पे, दुकानों पे, या फिर बड़े बड़े फार्म्स में जाके वो भीख मांगता था, वहाँ से वो वायर लेके आता था और उस वायर से वो खुद ही बैठ के रैट ट्रैप्स बनाया करता था। बट इवन सो, तो इतनी मेहनत करने के बाद भी, यानी वो पहले भीख मांग के वायर ला रहा है, उस वायर से खुद ही रैट ट्रैप्स बना रहा है और फिर उन्हें खुद ही बेच रहा है, तो इतनी मेहनत करने के बाद भी द बिजनेस वॉज नॉट एस्पेशली प्रॉफिटेबल, उसका ये जो बिजनेस था ये प्रॉफिटेबल नहीं था। प्रॉफिटेबल कहते हैं बच्चों जो आपको प्रॉफिट दे, जिससे आपको लाभ हो। तो राइटर कह रही हैं कि वो मेहनत तो बहुत करता था लेकिन फिर भी ये बिजनेस उसके लिए प्रॉफिटेबल नहीं था, उसको लाभ नहीं मिलता था, उसकी अर्निंग ज़्यादा नहीं होती थी। सो ही हैड टू रिजॉर्ट टू, तो इसलिए उसे रिजॉर्ट टू कहते हैं बच्चों, डिपेंड होना, किसी पे निर्भर होना। तो उसकी अर्निंग अच्छी नहीं होती थी इस बिजनेस से, इसीलिए उसे निर्भर रहना पड़ता था बोथ, दोनों चीज़ों पे, किस किस पे, बैगिंग, भीख मांगने पे, एंड पिटी थिवरी, और पिटी यानी छोटी छोटी थिवरी चोरियों के। टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, अपनी बॉडी एंड सोल टुगेदर यानी खुद को जीवित रखने के लिए, अपना जीवन बचाए रखने के लिए उसे भीख भी मांगनी पड़ती थी और कई बार उसे छोटी मोटी चोरियां भी करनी पड़ती थी। तो वो मेहनत तो खूब कर रहा है लेकिन बिजनेस उसे फ़ायदा नहीं दे रहा, तो उसको खुद को ज़िंदा रखना है, अपना पेट भरना है, खाना भी खाना है, तो इसलिए उसे भीख भी मांगनी पड़ती थी और कभी कभी वो छोटी मोटी चोरियाँ भी किया करता था। Even so, तो इतना सब करने के बाद भी his clothes were in rags, उसके कपड़े हमेशा rags यानी फटे पुराने होते थे, यानी वो इतना गरीब था, वो भीख मांग रहा है, चोरी कर रहा है, फिर भी उसके कपड़े हमेशा फटे पुराने रहते थे। his cheeks were sunken, और उसके cheeks यानी गाल, sunken कहते हैं पिचके हुए, तो वो भरपेट खाना नहीं खा पाता था, वो इतना वीक हो गया था कि उसके गाल पिचक गए थे। एंड हंगर ग्लेम्ड इन हिज आइज, और उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन चमक किसकी, हंगर यानी भूख की, यानी उसको देख के हम कह सकते थे, उसकी आंखें देख के हम कह सकते थे कि ये व्यक्ति कितना भूखा है। तो बच्चों, इस तरह से बैगर हमने देखे हैं जो फटे पुराने कपड़े पहनते हैं, इतने वीक होते हैं, गाल पिचक गए, आंखों में कोई चमक नहीं है, तो इस तरह से वो व्यक्ति था।
No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond. तो ब्राइडर हमसे कह रही हैं, वैगाबोन कहते हैं बच्चों जो इंसान घुमक्कड़ होता है, मतलब जिसका अपना एक घर नहीं होता, कुछ समय कहीं रह लेता है, उसके बाद कुछ समय कहीं और चला जाता है, तो यानी जो घूमता रहता है घुमक्कड़ होता है. और मोनोटनस कहते हैं बच्चों बहुत ही बोरिंग, उबाऊ, नीरस. तो राइटर कह रही हैं कि कोई भी इंसान इमेजिन नहीं कर सकता, कल्पना नहीं कर सकता कि इस तरह के जो वैगाबोंड होते हैं, इस तरह के जो घुमक्कड़ व्यक्ति होते हैं, उनकी लाइफ कितनी सैड, कितनी उदास, कितनी दुख भरी होती है और कितनी मोनोटनस, कितनी बोरिंग, कितनी उबाऊ होती है. तो राइटर कह रहे हैं कि उस घुमक्कड़ व्यक्ति का जीवन बहुत ही दुख भरा और बहुत ही उबाऊ था. हु प्लोर्स अलोंग द रोड, और वो क्या करता था, सड़क के किनारे प्लोर्स यानी थकान से धीरे धीरे चलता रहता था. लेफ्ट टू हिज ऑन मेडिटेशन, और चलते चलते वो स्वयं के ही मेडिटेशन विचारों में खोया रहता था. तो उसका अपना कोई घर नहीं है, सड़क के किनारे चलता रहता है बहुत थकान से, थके हुए कदमों से, और खुद के ही विचारों में ये खोया रहता है. बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इन टू लाइन ऑफ थॉट. तो राइटर कह रही है कि ये खुद के विचारों में खोया रहता था, चलते चलते कुछ कुछ ये सोचता रहता था. तो ऐसे ही जब ये कुछ विचार सोच रहा था तो एक दिन इसके मन में लाइन ऑफ थॉट यानी कुछ विचार आए विच रियली सेम टू हिम एंटरटेनिंग, और वो विचार इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग लगे, बहुत ज़्यादा रुचिकर लगे, उसको बहुत मज़ा आया. He had naturally been thinking of his rat trap. और वो विचार क्या आया उसके मन में, तो वो क्या कर रहा था, पहले वो अपने rat traps के बारे में सोच रहा था, जिन rat traps को बेचा करता था, जो उसके हाथ में रहते थे, तो उन rat traps को देख रहा था, उनके बारे में सोच रहा था. When suddenly he was struck by the idea, लेकिन तभी उसके दिमाग में ये आइडिया आया that the whole world about him, तो rat traps को देखते देखते वो क्या सोच रहा है कि उसके चारों तरफ जो पूरा वर्ल्ड है, जो पूरा विश्व है, the whole world with its lands and seas, its cities and villages was nothing but a big rat trap. तो बच्चों वो सोचता है कि उसके चारों तरफ जो वर्ल्ड है, ये पूरा वर्ल्ड जिसमें कि लैंड भी है और सी भी है, सिटीज़ भी हैं, विलेजेस भी हैं, तो ये पूरा वर्ल्ड कुछ भी नहीं है बल्कि क्या है, एक बड़ा रेड ट्रैप है. तो बच्चों वो कितना आप देखिए उसके दिमाग की कल्पना, वो क्या सोच रहा है, रेड ट्रैप्स को देखते देखते उसने ये सोचा कि ये पूरा विश्व ही एक बहुत बड़ा रेड ट्रैप है. It had never existed for any other purpose. और उसने इस पूरे वर्ल्ड को रेट ट्रैप से कंपेयर क्यों किया है, तो उसने आगे क्या सोचा कि ये जो इट यानी ये जो वर्ल्ड है, ये एग्जिस्ट कहते हैं बच्चों किसी चीज़ का अस्तित्व होना. तो उसने सोचा कि ये जो पूरा विश्व है, इसका जो अस्तित्व है वो किसी और पर्पज़, किसी और उद्देश्य के लिए नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य सिर्फ क्या है, टू सेट बेड्स फॉर पीपल, बल्कि इस पूरे विश्व का उद्देश्य है कि ये यहाँ रहने वाले सभी लोगों को क्या करता है, बेट्स कहते हैं लालच देना, चारा देना. मतलब हमने अभी देखा था ना कि रेड ट्रैप्स में जब हम अंदर ब्रेड लगाते हैं तो उस ब्रेड को हम क्या बोलते हैं, चूहे के लिए वो एक तरह से बेट है, वो चारा है चूहे का, चूहे के लिए वो एक तरह से लालच है. तो वो इंसान अब सोच रहा है कि जिस तरह से रेड ट्रैप के अंदर हम एक बेट लगाते हैं चूहे को फंसाने के लिए, उसी तरह ऐसे ये जो पूरा विश्व है, ये हम सब लोगों के लिए एक लालच है, एक चारा है हमें यहाँ फंसाने के लिए. It offered riches and joys. और इस विश्व में बेट के रूप में क्या लगाया गया है, ये हमें क्या क्या ऑफर करता है, riches यानी प्रॉपर्टी, मनी, ज्वेलरी, joys हर तरह की खुशियाँ ऑफर करता है, shelter यानी होम ऑफर करता है, फूड खाना ऑफर करता है, हीट एंड क्लोथिंग और ये हमें कपड़े भी देता है और सर्दियों में हमें हीट भी देता है. एग्जैक्टली एज द रेड ट्रैप ऑफर चीज़ एंड पोक, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से एक रेड ट्रैप चूहे को क्या ऑफर करता है,
चीज या फिर पोक। पोक कहते हैं बच्चों सुअर का मांस, यानी कि वो इंसान अब ये सोच रहा है कि जिस तरह से एक रैट ट्रैप के अंदर हम चीज लगाते हैं, पोक लगाते हैं ताकि चूहा आए उसको खाने के लिए और इसमें कैद हो जाए, उसी तरह से जो पूरा वर्ल्ड है ये भी हम लोगों को फंसाने के लिए हमें कभी रिचेज, कभी जॉयस, कभी शेल्टर तो फूड, और कभी हीट और क्लोथिंग, ये सब हमें ऑफर देता है कि हम इन सब से अट्रैक्ट होकर इसके अंदर जाएं और फिर वहीं पर कैद हो जाएं। एंड एज सून एज एनिमल लेट हिमसेल्फ बी टेम्पटेड, तो जो अब आगे वो सोच रहा है कि जैसे ही कोई इंसान टेम्पटेड यानी आकर्षित हो जाता है कि वो इन सब ऑफर्स को टच करे, टू टच द बेट, तो जब भी वो इन सब लालच को टच करने के लिए आकर्षित हो जाता है, इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, तभी ये जो जाल है ये क्लोज बंद हो जाता है। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और फिर हर एक चीज़ ख़त्म हो जाती है, वो हमेशा के लिए उस रेड ट्रैप के अंदर फंस के रह जाता है। तो बच्चों वो बहुत ही बड़ी चीज़ इमेजिन कर रहा है, वो एक रेड ट्रैप को इस पूरे वर्ल्ड से कंपेयर कर रहा है कि जिस तरह से एक रैट ट्रैप के अंदर हम बेट रख के चूहे को लालच देते हैं और उसको फंसा लेते हैं, उसी तरह से पूरा वर्ल्ड हम सब लोगों को लालच दे रहा है और जो भी इस लालच से अट्रैक्ट हो जाता है वो इस वर्ल्ड में फंस के रह जाता है। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, तब ये जो पूरा विश्व था, यहाँ के जो लोग थे वो उसके लिए कभी भी काइंड नहीं थे, यानी उसे इस वर्ल्ड में कभी भी खुशी नहीं मिली, वो इतना गरीब है, भीख मांग रहा है, चोरी कर रहा है, तो उसे कभी भी खुशी नहीं मिली थी। सो इट गेव हिम अनवॉन्टेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे, तो इसलिए उसको एक अजीब सा अनवॉन्टेड कहते हैं अजीब, तो उसे एक अजीब सी खुशी मिलती थी इस वर्ल्ड के बारे में इस तरह से बुरा सोच के, यानी कि वो वर्ल्ड को एक रैट ट्रैप समझ रहा है और इस वर्ल्ड में जितनी भी खुशियां हैं उन्हें वो बेट समझ रहा है, तो इस तरह से करके उसे अजीब सी खुशी मिल रही थी क्योंकि उसकी खुद की लाइफ बहुत सैड थी, बहुत मोनोटनस थी, तो इसलिए उसने पूरे वर्ल्ड के बारे में ऐसा सोच के उसे अच्छा लगा। इट बिकेम ए चेरिस्ड पास टाइम ऑफ हिज, और ये जो विचार उसके दिमाग पे एक बार आया था अब ये विचार उसके लिए उसका पास टाइम बन गया था, और वो भी कैसा, चेरिस्ड कहते हैं प्राय याद करना, तो अब प्राय जब भी वो बोर हो रहा है, कुछ सोच रहा है, तो यही सोचता और बार बार यही विचार अपने दिमाग में लाता और खुश होता। ड्यूरिंग मैनी डेयरी प्लॉडिंग्स, प्लॉडिंग्स कहते हैं बच्चों धीरे धीरे थकान से चलना, और डेयरी होता है उबाव या नीरस, तो जब वो बिल्कुल नीरसता के साथ धीरे धीरे चला करता था तो टाइम पास करने के लिए, अपने आप को एंटरटेन करने के लिए, वो बार बार यही विचार उस अपने दिमाग में लाता और फिर खुश होता। To think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare, और वो सोचा करता था उन people, उन लोगों के बारे में जिन्हें वो जानता था, यानी कि वो जिन लोगों को जानता है और जिन्होंने अपने आप को इस खतरनाक snare यानी जाल में फंसा लिया है, मतलब जो लोग उसके हिसाब से इस rat trap में फंस चुके हैं उनके बारे में सोचता, and of others, और उन व्यक्तियों के बारे में सोचता Who were still circling around the bait, जो कि अभी तक रैट ट्रैप में फंसे तो नहीं है लेकिन जो रैट ट्रैप पे लगाया हुआ बेट है, चारा है, लालच है, उसके चारों तरफ सर्कलिंग यानी चक्कर लगा रहे हैं, यानी सपोज ये एक रैट ट्रैप है तो कुछ लोग तो इसके ये यहाँ पे लगाया हुआ बेट है तो कुछ लोग तो इसके अंदर फंस गए हैं और कुछ लोग फंसे तो नहीं हैं लेकिन वो चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, बार बार बेट से आकर्षित हो रहे हैं, तो ऐसे लोगों के बारे में वो सोचता और खुश हो जाता, तो ये उसका पास टाइम बन गया था, जब भी वो बोर होता तो वो यही सब सोच के खुश हो जाता। वन डार्क इवनिंग, तो अब आगे हम बढ़ते हैं, तो एक बार बहुत अंधेरी शाम थी, एज ही वॉज ट्रजिंग अलॉन्ग द रोड ही कॉट साइट ऑफ अ लिटिल ग्रे कॉटेज बाय द रोड साइड, तो एक अंधेरी शाम को जब वो जा रहा था ट्रजिंग अलॉन्ग द रोड, ट्रजिंग कहते हैं थकान से धीरे धीरे चलना, तो एक शाम वो सड़क के किनारे थकान से धीरे धीरे चल रहा था, तभी उसे
कॉट साइड ऑफ होता है दिखाई देना, तो उसे दिखाई देती है एक छोटी सी ग्रे कलर की कॉटेज यानी कुटिया या छोटा घर, तो उसे एक छोटा सा ग्रे कलर का घर दिखाई देता है बाय द रोड साइड सड़क के किनारे। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर, तो उसको उसके हमने पढ़ा था कि वो घुमक्कड़ है, उसका अपना कोई घर नहीं है। तो एक दिन शाम को जब वो जा रहा था उसे कॉटेज दिखाई देती है, तो वो जाके उस कॉटेज के दरवाजे पे नॉक करता है, खटखटाता है टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे रात गुजारने के लिए शेल्टर यानी शरण मांगना चाहता था, वो वहाँ पे रात गुजारना चाहता था क्योंकि इसका अपना खुद का कोई घर नहीं था। तो इसने सोचा कि मैं आज शाम यहीं रुक जाता हूँ, तो उसने उस कॉटेज के गेट को नॉक किया। नोर वॉज ही रिफ्यूज, तो जब उसने नॉक किया तो घर का जो ऑनर था वो आया और उसने हमारे इस रैट्रैप सेलर को रिफ्यूज़ नहीं किया, मना नहीं किया। इंस्टेंट ऑफ द सार फेसेस विच ऑर्डिनरी मेट हिम, तो उसको हमेशा ऑर्डिनरी यानी सामान्यतः जब वो ऐसे किसी भी घर में नॉक करता था और रात को रुकने के लिए रिक्वेस्ट करता था, तो उसको कैसे फेस मिलते थे? सार फेस मतलब एंग्री फेसेस, गुस्से से भरे हुए चेहरे मिलते थे। लेकिन उस दिन इंस्टेंट यानी बजाए तो गुस्से से भरे हुए चेहरे जो कि उसको सामान्यतः मिला करते थे, वो चेहरे मिलने की बजाय द ऑनर, उस दिन जो उस कॉटेज का ऑनर था हु वॉज एन ओल्ड मैन, जो कि स्वयं एक वृद्ध व्यक्ति था विदाउट वाइफ और चाइल्ड, जिसकी ना तो वाइफ थी ना ही कोई बच्चा था, वॉज हैप्पी। वो जो वृद्ध व्यक्ति था तो वो गुस्से से भरे हुए चेहरे की बजाय वो क्या था? हैप्पी था टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस। और वो जो ओल्ड मैन था वो हैप्पी क्यों था? क्योंकि अब उसे कोई मिल गया था अपने लोनलीनेस में बात करने के लिए, यानी कि उस कॉटेज में वो ओल्ड मैन अकेला रहता था, उसकी वाइफ नहीं थी, उसके बच्चे नहीं थे। तो जब ये रैट्रैप सेलर ने नॉक किया और कहा कि क्या मैं रात को यहाँ रुक सकता हूँ, तो गुस्सा होने की बजाय वो खुश हो गया क्योंकि वो बिल्कुल अकेला रहता था और आज उसे कोई कंपनी मिली थी जिसके साथ वो बात कर सकता था, तो उसे अच्छा लगा और उसने हैप्पीली उसको अंदर आने दिया। Immediately he put the porous pot on the fire, और जैसे ही रैट्रैप सेलर अंदर जाता है दोनों बैठते हैं, तो immediately यानी तुरंत वो जो ओल्ड मैन था वो पॉरिज कहते हैं बच्चों दलिया, तो वो दलिया बनाने का जो पॉट था बर्तन था उसे वो फायर पे आग पे रख देता है, यानी वो पॉरिज बनाने की तैयारी करता है। एंड गेव हिम सपर, और जब वो पॉरिज बन के तैयार हो जाता है तो वो उस रैट्रैप सेलर को सपर यानी डिनर रात का खाना ऑफर करता है। देन ही कार्व्ड ऑफ सच अ बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टबैको रोल दैट इट वॉज इनफ बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज ओन। तो पहले वो पॉरिज बनाता है दोनों के लिए, रात का खाना खाते हैं दोनों, और खाने के बाद वो अपने टबैको रोल में से एक बड़ी सी स्लाइस कट करता है और फिर वो खुद भी स्मोक करता है, और वो जो स्ट्रेंजर था उसके लिए रैट्रैप सेलर उसे भी वो स्मोक करने के लिए देता है। Finally, he got out an old pack of cards. और फिर उसके बाद वो एक कार्ड्स का पुराना पैक लेके आता है and played mizolis with the guest until bedtime. और फिर वो अपने गेस्ट के साथ, अब गेस्ट कौन है उसका? वो जो रैट्रैप सेलर है उसके लिए गेस्ट है, तो अपने गेस्ट के साथ वो मिजोलिस, एक गेम है कार्ड्स का, ताश का, तो वो गेम खेलता है जब तक कि सोने का समय नहीं हो जाता। तो वो जो ओल्ड मैन है वो बहुत खुश है कि आज उसके घर में कोई गेस्ट आया है, वो उस गेस्ट के लिए खाना भी बनाता है, उसको स्मोकिंग के लिए भी ऑफर देता है, और फिर बैठ के दोनों ताश खेलते हैं और फिर सोने के लिए चले जाते हैं। तो रैट्रैप सेलर के लिए भी ये एक अलग एक्सपीरियंस था, क्योंकि हमेशा वो जहाँ कहीं भी जाता था सब लोग गुस्से करते, उसको मना कर देते, लेकिन आज उसको किसी घर में इतने अच्छे से वेलकम किया गया था।
The old man was just as generous with his confidences as with the porridge and tobacco. वो जो old man था वो बहुत ज़्यादा generous था. generous कहते हैं बच्चों उदार. तो वो बहुत ज़्यादा उदार था अपने जिस तरह से वो porridge और tobacco के बारे में उदार था, यानी जिस तरह से उसने अपना खाना और अपना tobacco शेयर किया था उस rat trap seller के साथ, उसी तरह से उसने अपने confidences यानी अपने सीक्रेट्स, अपनी जो बिल्कुल गुप्त बातें होती हैं, अपने जो रहस्य होते हैं, उसने वो भी उसके साथ शेयर किए. द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड. और वो जो गेस्ट था, गेस्ट कौन है, जो रैट ट्रैप सेलर था, उसे इन्फॉर्म किया गया, यानी कि उस ओल्ड मैन ने रैट ट्रैप सेलर को बताया दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, कि जब वो प्रॉस्पेरिटी के दिनों में, प्रॉस्पेरिटी कहते हैं संपन्नता, तो उस वृद्ध व्यक्ति ने बताया कि पहले जब वो संपन्न था, अमीर था, he had been a crofter at Ramso Iron Work. तो उस समय वो Ramso Iron Work में crofter का काम करता था. बच्चों ये एक वहाँ की बहुत famous, बहुत बड़ी iron mill का नाम है Ramso Iron Work. तो वो वहाँ पे crofter का काम करता था. And had worked on the land. और इसके अलावा वो land पे भी काम कर चुका है. Now that he was no longer able to do day labor. लेकिन अब जब वो इतने पूरे दिन लेबर नहीं कर सकता, मेहनत नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि अब वो ओल्ड हो गया है. तो उसने कहा जब वो यंग था तब वो Ramso Iron Works में भी काम करता था और उसने लैंड पे भी काम किया है, लेकिन अब वो इतनी मेहनत, इतना लेबर नहीं कर सकता. इट वॉज़ हिज काउ विच सपोर्टेड हिम. तो अब वो मेहनत नहीं कर सकता तो अब उसको कौन सपोर्ट करता है, सपोर्ट करने के लिए उसके पास अब एक काउ है, वो काउ उसे सपोर्ट करती है उसकी अर्निंग के लिए. यस, दैट बॉसी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. तो उस ओल्ड मैन ने आगे बताया कि वो जो बॉसी है, वो जो गाय है उसकी, वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, यानी बहुत ही असाधारण है, स्पेशल गाय है. शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे. तो उसने कहा कि वो गाय इतना ज़्यादा दूध देती है कि उस दूध को वो क्रीमरी ले जाता है. क्रीमरी यानी वो फैक्ट्री जहाँ पर दूध से फिर क्रीम बनाई जाती है. And last month he had received all of 30 kronor in payment. तो उसने कहा कि अब उसकी अर्निंग का जरिया उसकी गाय है. गाय उसकी बहुत स्पेशल है, वो बहुत ज़्यादा दूध देती है और उस दूध को लेके वो पास में कोई फैक्ट्री है जहाँ पे क्रीम बनाई जाती है, वहाँ पे वो बेच देता है और बदले में उसको रुपए मिल जाते हैं. तो उसने बताया कि पिछले महीने ही जब उसने दूध बेचा तो उसने क्या रिसीव किया, क्या प्राप्त किया, 30 kronor इन पेमेंट. तो उसको पेमेंट में 30 kronor मिलते हैं. क्रोनोर बच्चों स्वीडन की करेंसी है, जैसे हमारी करेंसी रुपीस है तो वहाँ की करेंसी है क्रोनोर. तो उसने कहा कि मुझे 30 kronor मिले थे दूध बेचने के लिए. द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस. तो ये सुन के जो स्ट्रेंजर है, जो रैट ट्रैप सेलर है, वो इनक्रेडुलस कहते हैं अविश्वसनीय. तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि दूध बेच के इतना पैसा मिला, 30 kronor मिले. फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप. तो उसे विश्वास दिलाने के लिए अब ओल्ड मैन वहाँ से खड़ा हो जाता है. एंड वैन टू द विंडो. और उस कॉटेज की जो विंडो थी वहाँ तक जाता है. टुक डाउन ए लेदर पाउच. और विंडो के पास कोई लेदर पाउच था, उस पाउच को वो उतारता है. विच हंग ऑन ए नेल. जो लेदर पाउच एक नेल यानी कील पर लटका हुआ था. इन द वेरी विंडो फ्रेम. जो उस विंडो का फ्रेम था, विंडो थी, विंडो के चारों तरफ फ्रेम था, फ्रेम के पास एक कील लगाई हुई थी और उस कील पर एक लेदर का पाउच लटका हुआ था. तो उस पाउच को वो उतार के लाता है. And picked out 3 wrinkled 10 kronor bills. तो उस लेदर पाउच में से अब वो रिंकल्ड यानी मुसे हुए, पुराने यूज़ करे हुए 10 kronors के नोट निकालता है. तो वो जो रेड ट्रैप सेलर था उसे विश्वास नहीं होता. तो ओल्ड मैन जाता है, एक लेदर का पाउच लेके आता है और उसमें से वो 10 के 3 kronor के नोट निकालता है. दिस ही हेल्ड अप बिफोर द आइज ऑफ हिज गेस्ट. और फिर उन नोट को वो अपने गेस्ट की आइज के सामने रख देता है. नोडिंग नोइंगली. और फिर वो अपना सिर हिलाता है कि देखो ये है 30 kronor.
एंड देन स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच, और फिर उन नोट को वो फिर से स्टफ्ड बैक फिर से रख देता है अपने उस लेदर पाउच में। तो वो ओल्ड मैन बच्चों कितना ज़्यादा ट्रस्ट कर रहा है इस स्ट्रेंजर पे कि वो अपनी कमाई जो उसकी अर्निंग है 30 क्रोनोर वो भी उसको ला के दिखाता है कि देखो ये मेरे लास्ट मंथ की कमाई है। द नेक्स्ट डे, अब रात हो जाती है, दोनों सो जाते हैं। फिर अगले दिन बोथ मैन गॉट अप इन गुड सीज़न, जो वो दोनों व्यक्ति थे वो गुड सीज़न यानी अच्छे समय यानी जल्दी सुबह उठ जाते हैं। द क्रॉफ्टर वॉज इन अ हरी टू मिल्क हिज काउ, और जल्दी क्यों, क्योंकि जो क्रॉफ्टर था वो तो जल्दी में था कि उसको जाना है और अपनी गाय के पास जाना है, गाय का दूध निकालना है। एंड द अदर मैन, और जो दूसरा व्यक्ति था, दूसरा व्यक्ति कौन था, रैट ट्रैप सेलर, तो वो जो रैट ट्रैप सेलर था वो भी जल्दी उठ जाता है प्रॉबेबली, और क्यों, क्योंकि वो सोचता है ही शुड नॉट स्टे इन बेड, उसे लगा कि उसे और ज़्यादा नहीं सोना चाहिए। व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप, जब घर का जो हेड है, जो घर का जो ऑनर है वही उठ गया, तो वो तो गेस्ट है तो उसे और ज़्यादा नहीं सोना चाहिए, इसलिए वो भी उठ जाता है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों सुबह जल्दी उठ जाते हैं। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, और फिर दोनों एक साथ उस कॉटेज से निकल जाते हैं। द क्रॉफ्टर लॉक द डोर, बाहर आने के बाद क्रॉफ्टर अपनी कॉटेज का जो डोर है उसे लॉक करता है, ताला लगा देता है। एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, और ताले की जो चाबी है उसे अपनी पॉकेट में रख लेता है। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड गुड बाय एंड थैंक यू, और वो जो रेड ट्रैप सेलर था वो उस ओल्ड मैन को गुड बाय बोलता है और धन्यवाद देता है कि आपने मुझे यहाँ रात गुजारने दी, उसके लिए धन्यवाद। एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ऑन वे, और उसके बाद वे दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। क्रॉफ्टर चला जाता है अपनी गाय के पास क्योंकि उसे दूध निकालना था, और जो रेड ट्रैप सेलर है वो भी अपने रास्ते चला जाता है। बट हाफ एन आवर लेटर, लेकिन आधे घंटे बाद ही द रेड ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर, वो जो रेड ट्रैप पेडलर था वो फिर से उस दरवाजे के सामने खड़ा था, उस कॉटेज के दरवाजे के सामने वो आधे घंटे बाद फिर से आ जाता है। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, अब वो दरवाजे के सामने खड़ा है और अंदर जाने की कोशिश नहीं करता। He only went up to the window, बल्कि क्या करता है वो उस कॉटेज की विंडो तक जाता है। Smashed a pen, और वहाँ का जो पैन कहते हैं बच्चों, जो विंडो में लगा हुआ शीशा होता है, तो कांच की खिड़की थी वो, तो एक कांच को वो तोड़ देता है, स्मैश यानी तोड़ना। Stuck in his hand, और जब कांच टूट जाता है तो अपना हाथ वो अंदर डालता है। And got hold of the pouch with the 30 क्रोनोर, और अपने हाथ से वो पाउच उतार लेता है जिस पाउच में वो 30 क्रोनोर रखे हुए थे। तो बच्चों हमने पढ़ा था पहले भी कि छोटी मोटी चोरियां भी किया करता था, तो जब इसने 30 क्रोनोर देखे तो बच्चों ये चोरी करने आ गया, इसने खिड़की तोड़ी, लेटर वो जो लेदर का पाउच था उसे निकाला और उसने 30 क्रोनोर निकाले। He took the money, तो उसने वो 30 क्रोनोर निकाल लिए and thrust it into his own pocket, और वो जो 30 क्रोनोर थे वो उसने अपनी खुद की पॉकेट में रख लिए। Then he hung the leather pouch very carefully back in its place, और फिर उसके बाद उसने उस leather pouch को बहुत सावधानी से फिर से उसकी स्थान पे रख दिया, यानी कि जिस कील पे वो लटका हुआ था उसने वो खाली पाउच फिर से उसी कील पे टांग दिया। एंड वेंट अवे, और वहाँ से चला गया। तो बच्चों एक तरफ तो वो ओल्ड मैन था जिसने इतना ज़्यादा जेनरस था और जिसने इतना ज़्यादा ट्रस्ट किया था इस स्ट्रेंजर पे कि उसने अपनी अर्निंग तक दिखा दी, और ये जो रेड ट्रैप सेलर है ये अपने आप को रोक नहीं पाता चोरी करने से, ये वापस आता है और वो 30 क्रोनोर जो उसकी अर्निंग थी उसे चुरा लेता है। As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. तो अब उसने अपनी पॉकेट में रुपए रख लिए और जा रहा है, तो अब वो उससे बहुत खुशी हो रही है अपनी स्मार्टनेस पे, अपनी चालाकी पे, तो वो बहुत ही प्लीज्ड यानी खुश है कि वो कितना चालाक है, उसने कितनी चालाकी से रुपए चुरा लिए।
He realized, of course, that at first he dared not continue on the public highway. तो वो बहुत खुश है कि देखो मैं कितना स्मार्ट हूँ, मैंने रुपए भी चुरा लिए. लेकिन फिर उसने रियलाइज किया, महसूस किया कि चोरी करने के बाद अब उसे पब्लिक हाईवे पे चलने की डेयर यानी हिम्मत नहीं दिखानी चाहिए. यानी उसे पता था कि जब ओल्ड मैन को पता चलेगा कि उसके रुपए गायब हो गए हैं तो हो सकता है वो पुलिस के पास जाए, पुलिस मुझे ढूंढने आए, तो मुझे पब्लिक हाईवे पे नहीं जाना चाहिए. ऐसी जगह जहाँ कोई भी मुझे देख ले, मुझे पकड़ ले, वहाँ मुझे नहीं जाना चाहिए. बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड इन टू द वुड्स. तो पब्लिक हाईवे पे जाने की बजाय मुझे कौन से रास्ते जाना चाहिए, जंगल के रास्ते जाना चाहिए ताकि मुझे कोई और देख ना पाए, और अगर पुलिस मुझे ढूंढ रही है तो वो भी मुझे पकड़ ना पाए. ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉज हिम नो डिफिकल्टी. तो वो जो मेन हाईवे पब्लिक हाईवे था वहाँ से हट जाता है और जंगल के रास्ते आगे बढ़ता है. तो स्टार्टिंग का जो समय था, जो फर्स्ट आवर्स थे, शुरुआती घंटे थे, वो उसमें तो उसे किसी भी तरह की प्रॉब्लम डिफ़िकल्टी नहीं आई जंगल के रास्ते जाने में. लेटर इन द डे, तो स्टार्टिंग में तो सुबह सुबह कोई दिक्कत नहीं थी, वो जंगल में से चलता रहा. लेकिन बाद में इट बिकेम वर्स, बाद में जंगल का रास्ता वर्स बहुत बुरा हो गया. फॉर इट वॉज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गॉटन इन टू. तो रास्ता उसके लिए वर्स बुरा क्यों हो गया, क्योंकि वो जो जंगल था वो बहुत ही बिग बड़ा था और कन्फ्यूजिंग था. यानी कि उसके जो रास्ते थे उसे समझ में नहीं आ रहे थे कि कौन से रास्ते जाना है, राइट टर्न लूँ, लेफ्ट टर्न लूँ, कहाँ जाऊँ, उसे समझ नहीं आ रहा था. तो वो जंगल में अपना रास्ता खो देता है. He tried to be sure to walk in a definite direction. तो वो बहुत कोशिश करता है कि मैं एक डेफिनेट यानी एक निश्चित डायरेक्शन, एक निश्चित दिशा में ही जाऊँ. But the paths twisted back and forth so strangely. तो वो बहुत ट्राई करता है कि मैं एक निश्चित डायरेक्शन में जाऊँ ताकि मैं जंगल से बाहर आ पाऊँ. लेकिन वो जंगल के रास्ते बहुत ज़्यादा ट्विस्टेड थे. ट्विस्टेड यानी घुमावदार, यानी कि रास्ते ऐसे गोल गोल घूम रहे थे, बहुत घुमावदार रास्ते थे, और वो भी कैसे, बहुत ही अजीब तरीके से. तो बहुत कोशिश करता है लेकिन रास्ते इतने ट्विस्टेड थे, इतने घुमावदार थे कि वो बाहर नहीं आ पाता. He walked and walked without coming to the end of the wood. तो वो चलता जाता है लेकिन वो जंगल से बाहर नहीं आ पाता. And finally he realized that he had only been walking around in the same part of the forest. और बाद में उसे ये realize होता है, ये महसूस होता है कि इतना चलने के बाद भी actual में वो उस जंगल के सेम पार्ट, एक ही डायरेक्शन में वॉकिंग अराउंड चलता जा रहा था. यानी कि उसे बाद में महसूस होता है कि वो इतने घंटों से चल तो रहा है लेकिन वो एक ही एरिया में बार बार घूमता जा रहा है. इस एरिया से आगे वो बढ़ ही नहीं पा रहा क्योंकि वहाँ के रास्ते इतने घुमावदार थे कि उसे समझ में नहीं आता और वो बिल्कुल कन्फ्यूज़ हो जाता है. All at once he recalled his thoughts about the world and the rat trap. तो बच्चा वो जंगल में फंस चुका है, जंगल में अपना रास्ता खो चुका है. तो अब उसे रिकॉल होता है, उसे याद आते हैं अपने विचार, किसके बारे में, जो वो इस विश्व के बारे में और रैट ट्रैप के बारे में सोचा करता था. हमने पढ़ा था पहले कि वो उस पूरे विश्व को रैट ट्रैप से कंपेयर करता है, तो उसको फिर से वही विचार याद आ जाते हैं. नाउ हिज ऑन टर्न हेड कम. तो अब वो क्या सोचता है कि अब इस रैट ट्रैप में फंसने की उसकी स्वयं की चांस आ गई है. तो उसे लगता है कि वो खुद भी अब इस रैट ट्रैप में फंस चुका है. He had let himself be fooled by a bait and had been caught. तब उसे लगता है कि वो मूर्ख बन गया था उस बेट, उस लालच में आके. तो अब वो लगता है, अब वो सोच रहा है कि जो 30 crore उसने चुराए हैं वो एक लालच था और वो उस लालच से अट्रैक्ट हो गया, उसने रुपए चुरा लिए और अब वो इस जाल में कॉट फंस चुका है. तो जैसा वो सोचा करता था अब उसे लग रहा है कि उसके खुद के साथ वैसा हो रहा है. 30 crore एक बेट थे जिसे चुराने के चक्कर में वो इस जाल में फंस चुका है. द होल फॉरेस्ट विथ इट्स ट्रंक्स एंड ब्रांचेस, इट्स थिकेट्स एंड फॉलन लॉग्स,
क्लोज्ड इन अपॉन हिम लाइक एन इनपेनिट्रेबल प्रिजन फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप। तो अब उसे लग रहा था कि ये जो पूरा जंगल था जिसमें पेड़ों के ट्रंक्स कहते हैं, पेड़ों के तने, तो जिसमें ट्रंक्स भी हैं, ब्रांचेस भी हैं पेड़ों की शाखाएं, इट्स थिकेस्ट, जो कि इतना घना है, छोटे छोटे पौधे हैं घने रूप से उगे हुए, एंड फॉलन लॉग्स, और जो गिरे हुए लॉग्स हैं, क्लोज्ड इन अपॉन हिम लाइक एन इम्पेनिट्रेबल प्रिजन। उन सब ने ऐसे लगा जैसे कि इस रेड ट्रैप सेलर को प्रिजन में, और प्रिजन भी कैसा है, इम्पेनिट्रेबल, यानी जिसे कि हम समझ नहीं सकते, जिससे बाहर आने का कोई रास्ता हमें समझ में ना आए। तो उसे लगा कि इस पूरे जंगल, जो कि इतना घना जंगल था जहाँ से बाहर आने का उसे रास्ता मिल ही नहीं रहा था, तो उसे लगा कि पूरा जंगल एक प्रिजन है, एक जेल है, फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, और ऐसी जेल जिससे अब वो कभी भी एस्केप नहीं कर सकता, जिसके बाहर अब वो कभी भी निकल नहीं सकता। तो बच्चों, ओल्ड मैन ने इस रेड ट्रैप सेलर के साथ इतना अच्छा बिहेव किया, उसको इतना अच्छा वेलकम दिया, लेकिन इसने उसका ट्रस्ट तोड़ा और उसके 30 क्रोनोट चुरा लिए। लेकिन अब इसे रियलाइज़ हो रहा है कि वो एक्चुअल में उस ट्रैप में फंस चुका है, ये उस बेट के लालच में आ गया और हमेशा के लिए जंगल में फंस जाता है। तो बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आगे इसके साथ क्या होता है, ये जंगल से बाहर कैसे निकलता है और आगे क्या एक्सपीरियंस करता है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।